गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया है। तो पिछली क्लास में हमने किया था व्हीटस्टोन ब्रिज, कि किस तरह से हम व्हीटस्टोन ब्रिज की मदद से अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को निकालते हैं। आज हम करेंगे एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। वो प्रैक्टिकल नहीं था। वो प्रैक्टिकल क्यों नहीं था? क्योंकि उसमें क्या करते थे, हम चार रेजिस्टेंसेस को इस तरह से जोड़ते थे, इस तरीके से, और जिसमें पी क्यू आर एस, एस हमारा अननोन रेजिस्टेंस था, है ना। और हम यहां एक गैल्वेनोमीटर जोड़ देते थे और यहां से बैटरी, ऐसे क्लियर। तो यहां पर हमारे पास क्या था कि हम लगातार पी क्यू आर को चेंज करते रहते, लगातार इसको चेंज, इसको चेंज, इसको चेंज। गैल्वेनोमीटर की रीडिंग देखो, अगर जीरो थी फिर पी बटा क्यू बराबर आर बटा एस होगा, फिर पी क्यू आर चेंज, फिर देखो गैल्वेनोमीटर की रीडिंग, अगर गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जीरो आई तो हमारे पास P by Q will be equal to R by S होगा, है ना। ऐसे हो रहा था हमारे पास, यानी एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं थी। अब हमें करनी है इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का मतलब जिसको हम अप्लाई कर सके, वो हमारी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करने के लिए का इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास मीटर ब्रिज। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? मीटर ब्रिज। चलिए ये क्या है सबसे पहले ये देखते हैं। इट इज ए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, इट इज ए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ये एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है किसकी? व्हीटस्टोन ब्रिज की। क्लियर है? किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है ये? प्रिंसिपल क्या है? इट इज बेस्ड ऑन द व्हीटस्टोन ब्रिज। किस पर बेस्ड है ये? व्हीटस्टोन ब्रिज पर बेस्ड है। क्लियर है? अब हमें सबसे पहले देखना है कि हाउ इट विल लुक लाइक, ये कैसा दिखता है। व्हीटस्टोन ब्रिज की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मीटर ब्रिज, ये कैसा दिखता है। इससे पहले इट इज आल्सो कॉल्ड स्लाइड वायर ब्रिज। इसको हम स्लाइड वायर ब्रिज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लाइड वायर ब्रिज। ऐसा क्यों कहते हैं ये अभी बताएंगे आपको, आएगा हमारे पास धीरे 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 धीरे, हम बताते रहेंगे कि why it is also called slide wire bridge। तो सबसे पहले इसकी कंस्ट्रक्शन पे आते हैं। फर्स्ट वी कम ऑन इट्स कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन ऑफ मीटर ब्रिज कि ये है कैसा देखने में। कंस्ट्रक्शन, चलिए देखते हैं क्या है। देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज का एपरेटस, सबसे पहली चीज, इसमें एक रेक्टेंगुलर वुडन बॉक्स होता है। क्या होता है? रेक्टेंगुलर वुडन बॉक्स, इस टाइप का। मैं आपको एक बार रफ बनाता हूं इसका, इस टाइप का एक रेक्टेंगुलर वुडन बॉक्स होता है। क्लियर है? उस पर दो पॉइंट्स होते हैं, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी। दो पॉइंट हमारे पास, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी। इस ए और बी के बीच में एक कंडक्टिंग वायर है, एक वायर को स्ट्रेच कर रखा होता है। वायर इज स्ट्रेच्ड, स्ट्रेच का मतलब खींच के बांध रखी होती है ए और बी पॉइंट के बीच में। जिस वायर की लेंथ होती है 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर। क्लियर है? एक रेक्टेंगुलर वुडन बॉक्स पे दो पॉइंट होते हैं ए और बी, उस पर एक वायर को स्ट्रेच कर रखा है, खींच के बांध रखा है। ए पॉइंट से अंदर ही अंदर कनेक्शंस होते हैं, ये इस तरीके से यहां पर, ठीक है, ऐसे कनेक्शन। फिर एक गैप होता है, फिर एक स्ट्रिप, मेटल स्ट्रिप होती है सीधी, ठीक है। फिर हमारे पास एक और गैप होता है, वो एक और मेटल स्ट्रिप जो किससे जुड़ी होती है? बी से जुड़ी होती है।
ये है हमारे पास सिंपल स्ट्रक्चर मेटल की स्ट्रिप्स यानी पत्ती, एक मेटल की पत्ती ए से ऐसे गई, ऐसे गई यहां तक गई, फिर गैप, फिर एक सीधी मेटल की पत्ती, फिर गैप, फिर एक एल शेप्ड मेटल की पत्ती, और ये सारी चीजें एक वुडन बॉक्स पे माउंट कर रखी होती है हमने। क्या कर रखी होती है? माउंट लगा रखा होता है हमने इनको, ठीक है, क्लियर। ऐसा हमारा कंस्ट्रक्शन होता है किसका? व्हीटस्टोन ब्रिज या सॉरी मीटर ब्रिज या स्लाइड वायर ब्रिज का। अब इसको मैं एक अप्रोप्रिएट बिल्कुल सही फिगर बना लेता हूं, ठीक है। तो इसमें क्या है, हमारे पास 100 सेंटीमीटर की वायर होती है जो स्ट्रेच होती है बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी ऑन ए वुडन बॉक्स, ठीक है। कंस्ट्रक्शन इट कंसिस्ट ए वुडन बॉक्स ऑन विच ए 100 सेंटीमीटर वायर इज स्ट्रेस्ड बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच में एक 100 सेंटीमीटर की वायर को स्ट्रेच कर रखा होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इस तरह से क्या होता है, मेटल स्ट्रिप्स प्रॉपर गैप्स होते हैं, क्या होते हैं, प्रॉपर गैप्स, ये लीजिए, क्लियर। एक गैप यहां पर हमारे पास, इस गैप में हम लगाते हैं एक रेजिस्टेंस बॉक्स, क्या लगाते हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स, इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस बॉक्स। ये एक बॉक्स होता है, एक डब्बा होता है, उस डब्बे में ऊपर चाबियां होती है, कीज माउंट कर रखी होती है, हर एक कीज पे एक रीडिंग लिखी होती है। मान लीजिए इस की पे रीडिंग लिखी है 1 ओम, कितना लिखा है 1 ओम। अगर हम उस डब्बे में से 1 ओम की को बाहर निकाल दिया तो इस सर्किट में यहां पर कौन सा रेजिस्टेंस आ जाएगा, 1 ओम आ जाएगा। अगर हमने 5 ओम की को बाहर निकाल दिया तो वहां पर कौन सा रेजिस्टेंस आ जाएगा, 5 ओम आ जाएगा। तो रेजिस्टेंस बॉक्स क्या करता है, इंट्रोड्यूस करता है रेजिस्टेंस, क्लियर है। यहां पर हमारे पास अननोन रेजिस्टेंस क्या है, अननोन रेजिस्टेंस एस, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है मीटर ब्रिज की, किसके काम आती है, अननोन रेजिस्टेंस निकालने के लिए, इट इज यूज टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस, क्लियर है। बोलिए, यहां पर एक हमारे पास ऐसे करके गैल्वेनोमीटर जोड़ देते हैं, क्या जोड़ देते हैं, गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर से एक जुड़ी होती है हमारी जॉकी, क्या जुड़ी होती है, जॉकी, जॉकी इज लाइक ए पेंसिल, जैसे पेन है ना, ऐसे पेंसिल होती है, इसके पीछे वायर को कनेक्ट करने का एक पेंच टाइप स्क्रू टाइप कुछ होता है, उस पर हम वायर को कनेक्ट कर देते हैं, जॉकी से गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर से यहां ये पॉइंट यहां कनेक्ट होता है, ठीक है। ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में हम एक बैटरी लगा देते हैं जो क्या करती है, इस वायर में से करंट फ्लो करती है, क्या करती है, इस वायर में से करंट फ्लो करती है, क्लियर। बोलिए, इट कंसिस्ट ऑफ ए वुडन बॉक्स ऑन विच ए वायर स्ट्रेस ए बी ऑफ 100 सेंटीमीटर, ठीक है। देयर आर प्रॉपर स्पेस फॉर रेजिस्टेंस बॉक्स एंड अननोन रेजिस्टेंस, ए बैटरी इज कनेक्टेड एट द वायर ए बी ऑफ सर्टेन वोल्टेज, ठीक है। ए गैल्वेनोमीटर एंड जॉकी आर ऑल्सो कनेक्टेड एज शोन इन फिगर, जैसा फिगर में दिखाया गया है। इसको लिखना चाहे तो लिख भी ले, या वैसे एक बार फिर से सुन ले, सुनना चाहे तो। इट कंसिस्ट ऑफ ए वुडन बॉक्स ऑन विच ए 100 सेंटीमीटर वायर इज स्ट्रेस्ड, ठीक है। देयर आर प्रॉपर स्पेस फॉर रेजिस्टेंस बॉक्स एंड अननोन रेजिस्टेंस, ए बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस द वायर ए बी एंड गैल्वेनोमीटर एंड जॉकी आर ऑल्सो कनेक्टेड एज शोन इन फिगर, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। अब है हमारे पास इसकी वर्किंग, क्या है इसकी
वर्किंग के, कैसे ये अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालेगा, ये है हमारे पास। चलिए वर्किंग करें, लेट्स डू द वर्किंग। वर्किंग में हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है चेक दी कनेक्शंस। क्या चेक कीजिए, कनेक्शन चेक कीजिए। सबसे पहले कनेक्शन कैसे चेक करेंगे, अब देखिए ये हमारे पास जो कि मान लीजिए जो कि इसके पीछे तार, जो कि को सबसे पहले ए पॉइंट पर टच कीजिए, फिर बी पॉइंट पर टच कीजिए। पहले क्या कीजिए, ए पर टच, फिर बी पर टच, और गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन को देखिए। गैल्वेनोमीटर ऐसे होता है, कुछ बताया आपको गैल्वेनोमीटर, ये यहां जीरो होता है। अगर ए पर लेफ्ट पर टच करने से गैल्वेनोमीटर की सुई डिफ्लेक्ट होके आ जाए लेफ्ट पर, राइट पर टच करने से सुई डिफ्लेक्ट होके आ जाए राइट पर, तो हमारे कनेक्शंस क्या हैं, ओके हैं। नहीं तो कनेक्शन को क्या कीजिए, ठीक कीजिए। मतलब जो कि को ए पर टच करें तो गैल्वेनोमीटर की सुई किधर आ जानी चाहिए, लेफ्ट में। बी पर टच करें तो गैल्वेनोमीटर की सुई बीच से कहां आ जानी चाहिए, राइट में। गैल्वेनोमीटर ऐसे, ये जीरो रीडिंग। ए पर टच किया तो इधर, बी पर टच किया तो इधर, ऐसे हो जाए तो हमारा कनेक्शंस क्या है, ओके हैं। नहीं तो उनको क्या कीजिए, ठीक कीजिए। ठीक है, चलिए चेक द कनेक्शन क्या कहता है। इफ बाय टचिंग जॉकी एट ए एंड बी द गैल्वेनोमीटर गिव डिफ्लेक्शन to left and right side, then our connections are okay, बिल्कुल ठीक है। अदरवाइज मेक देम ओके, नहीं तो उनको क्या कीजिए, ठीक कीजिए। क्लियर, चले आगे। पहला पॉइंट चेक का कनेक्शन, कनेक्शन चेक हो गए, अब आगे का काम, आगे आपको क्या करना है। सेकंड पॉइंट, व्हाट इज सेकंड पॉइंट नाउ, सेकंड पॉइंट, प्लग आउट ए रेजिस्टेंस फ्रॉम रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स में से एक रेजिस्टेंस बाहर निकाल लीजिए, क्लियर है। वो आ गई आपके पास किसकी वैल्यू, आर की वैल्यू, यहां से किसकी आ गई, आर। देन टच द जॉकी एट डिफरेंट पॉइंट ऑन द वायर एंड फाइंड ए पॉइंट वेयर गैल्वेनोमीटर गिव जीरो डिफ्लेक्शन। ठीक है, चलिए क्या करना है, मतलब आपको रेजिस्टेंस बॉक्स में से रेजिस्टेंस निकालिए। ये वो हमारी जोकी है, जोकी को हमने ए पे टच किया था, तो याद कीजिए जोकी को हमने ए पे टच किया था नॉर्मली में जीरो रीडिंग। ए पर टच किया था तो डिफ्लेक्शन इधर आना चाहिए, बी पर टच किया तो डिफ्लेक्शन इधर आना चाहिए, है ना, ऐसे था। ए पे टच किया तो इधर, बी पे टच किया तो इधर, ए पे टच किया इधर, बी पे टच किया इधर, यानी ए से बी की तरफ चलेंगे, चलते गए डिफ्लेक्शन इधर होता गया, एक रीडिंग पर जीरो डिफ्लेक्शन जरूर आएगा जब गैल्वेनोमीटर की सुई क्या आ जाएगी, जीरो पर। दैट पॉइंट इज कॉल्ड नल पॉइंट, उसको हम पॉइंट को क्या कहते हैं, नल पॉइंट। अब हमें क्या करना, रेजिस्टेंस बॉक्स से रेजिस्टेंस को निकाला, जो कि कोई यहां टच किया, गैल्वेनोमीटर की रीडिंग देखी, क्या जीरो पे है, नहीं है, आगे चले। टच किया, क्या जीरो पर है, नहीं है, आगे चले। टच किया, क्या जीरो पर है, नहीं है, आगे चले। टच किया, क्या जीरो पर नहीं है, हां है। उस पॉइंट को मान लीजिए ये यहां पर एट पॉइंट P
पी, एट पॉइंट पी पर क्या आ गया आपके पास, गैल्वेनोमीटर ने क्या कर दिया, जीरो रीडिंग दे दी, क्या दे दी, जीरो रीडिंग। देन दैट पॉइंट जीरो डिफ्लेक्शन दे दिया, दैट पॉइंट इज कॉल्ड नल पॉइंट। ये पॉइंट आपका क्या कहलाएगा, नल पॉइंट। पहला काम चेक द कनेक्शन टच द जो कि एट ए एंड बी, एंड इफ डिफ्लेक्शन इज टूअर्ड राइट एंड लेफ्ट कनेक्शन आर ओके। दूसरा पॉइंट फाइंड द प्लग आउट रेजिस्टेंस फ्रॉम रेजिस्टेंस बॉक्स एंड टच द जो कि डिफरेंट पॉइंट ऑन वायर, फाइंड द नल पॉइंट, लेट इट इज एट पॉइंट पी। पी पॉइंट पर आया और कितनी लेंथ पर आया, यहां से हमने लेंथ मानी भाई पी की, ये लेंथ आई आपके पास एल, कितनी आई एल। अब वायर टोटल कितनी लंबाई की है, हमने कहा 100 सेंटीमीटर की है वायर, कितने की 100 की, एक दो, इधर आ गई आपके पास 99 और इधर क्या आ गई 100, 100 सेंटीमीटर की वायर है। अगर नल पॉइंट पी पॉइंट पे आया एल डिस्टेंस पर, तो बची हुई डिस्टेंस कितनी हो गई, 100 माइनस एल, बची हुई डिस्टेंस कितनी हो गई 100 माइनस एल। क्लियर है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या समझ में आया, हमें नल पॉइंट मिल गया, क्या मिल गया, नल पॉइंट। अब ये मैं कहता हूं, अब ये सिस्टम व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह काम कर रहा है, कैसे चलिए देखते हैं। मिटा लूं, नोट कर लीजिएगा इसको वर्किंग में। पहला पॉइंट चेक द कनेक्शन, दूसरा पॉइंट प्लग आउट रेजिस्टेंस फ्रॉम रेजिस्टेंस बॉक्स एंड फाइंड द नल पॉइंट। अब देखिए कैसे काम कर रहा है, किसकी तरह, समझाने के लिए अभी किसकी तरह काम कर रहा है, चलिए देखते हैं। हम चलते हैं ए पॉइंट से, ए से चले तो एक रेजिस्टेंस बॉक्स आ गया, ए से चले हम एक रेजिस्टेंस बॉक्स आ गया जिसको हमने कहा आर, ये आ गए भाई, ये आ गए, ये आ गए, यहां ये पॉइंट आ गया बीच में, ये आ गए भाई, ये आ गए, यहां ये पॉइंट आ गया बीच में, आ गया। उसके बाद और आगे चले, क्या आ गया, अननोन रेजिस्टेंस एस, सॉरी स्ट्रेट लाइन से दिखा दू, ये पॉइंट आ गया बीच में, आ गया ये पॉइंट, ठीक है। उसके बाद आगे चले, अननोन रेजिस्टेंस आ गया एस, ये आ गया भाई अननोन रेजिस्टेंस एस, ये आ गया अननोन। यहां से हम पहुंच गए कहां पर, बी पॉइंट पर, कहां पहुंच गए हम, बी पॉइंट पर पहुंच गए। अब B से लेके P तक एक वायर आ गई, कितने लंब की, 100 माइनस एल की, भूल जाओ ये आ गई P पॉइंट तक, एक वायर कितने की 100 माइनस एल लेंथ की आ गई। P से A तक एक वायर आई कितनी लेंथ की, L लेंथ की। P से A तक एक वायर आई कितनी लेंथ की, L लेंथ की। क्लियर। A से चले, एक रेजिस्टेंस आ गया बीच में, ये आ गया, ये पॉइंट आ गया बीच में, ये आ गया। इसके बाद आ गया एस, ये आ गया, नीचे आए फिर आ गया बी, ये आ गया बी। बी से पी तक, इस पी पॉइंट को ले लिया मैंने, बी से पी तक वायर आ गई 100 माइनस एल लेंथ की। पी से ए तक एक और वायर आ गई एल लेंथ की। अब देखो ये पॉइंट बीच वाला, यहां से लेके और ये आया एक गैल्वेनोमीटर और ये पी पॉइंट पे टच हो गया पी पर, यहां बीच वाले से ये आया गैल्वेनोमीटर और ये टच हो गया पी पर, हो गया क्लियर। अब देखिए एक बैटरी लगी हुई है ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में क्या लगी हुई है, एक बैटरी लगी हुई है। चलिए बैटरी लगा देते हैं ए और बी के बीच में, ये लगा दी बैटरी, क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं बन गया, बन गया ना। अभी हमने कहा हमने नल पॉइंट फाइंड आउट कर लिया, यानी गैल्वेनोमीटर में से कोई भी करंट नहीं जा रहा। जब गैल्वेनोमीटर में से कोई भी करंट नहीं जाता तो दिस अपॉन दिस विल बी इक्वल टू दिस अपॉन दिस। व्हीटस्टोन ब्रिज में किया था हमने, जब गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट नहीं जाएगा तो दिस अपॉन दिस विल बी इक्वल टू दिस अपॉन दिस। आर अपॉन एस इज इक्वल टू एल अपॉन 100 माइनस एल। अब आप कहोगे ऊपर तो रेजिस्टेंस है, आर भी है और एस भी है, ये तो रेजिस्टेंस नहीं है, नहीं है ना। अब इसका सोल्यूशन करते हैं, चले करें, समझ में आ गया व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे बन गया, ये क्लियर। तो दूसरा पॉइंट क्या था, रेजिस्टेंस बॉक्स में रेजिस्टेंस निकालो, नल पॉइंट फाइंड आउट करो, ठीक है। थर्ड पॉइंट, लेट
द नल पॉइंट इज एट पॉइंट पी एट लेंथ एल फ्रॉम ए। ए से एल लेंथ पर आया है हमारा नल पॉइंट, ठीक है। देन बाय प्रिंसिपल ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल से आर अपॉन एस एल अपॉन 100 माइनस एल। अब एल तो वायर लेंथ है, हम क्या लिखेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ लेंथ एल अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ लेंथ 100 माइनस एल, है ना। अब रेजिस्टेंस आ जाएगा आर अपॉन एस, रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ लेंथ एल अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ लेंथ 100 माइनस एल। चलिए इसको सोल्व कर देंगे, आर अपॉन एस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ लेंथ एल क्या होगा, रो एल बाय ए, रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ 100 माइनस एल लेंथ 100 माइनस एल बाय ए हो जाएगा। यहां से क्या आएगा, आर बाय एस विल बी इक्वल टू रो से रो कैंसिल, ए से ए कैंसिल, है ना, ये उल्टा हो जाएगा ना जाके, ठीक है। R by S L is equal to L upon 100 minus L। ये कंडीशन बने, ये हमारी किसकी, व्हीट स्टोन ब्रिज की। अब देखिए रेजिस्टेंस बॉक्स से हमने निकाल लिया कितना, 5 ओम, R की वैल्यू कितनी आ गई 5 ओम, S अननोन रेजिस्टेंस है हमारा जिसकी हमें क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है, दिस इज अननोन, है ना, इसकी तो वैल्यू निकाल रहे हैं हम अननोन। L लेंथ कितनी है, ये हम स्केल, यहां पे स्केल होता है इसे माप लेंगे, कोई भी स्केल लगाया लेंथ माप ली, मान लीजिए 40 सेंटीमीटर है तो बची हुई कितनी होगी 60, यानी R की वैल्यू रेजिस्टेंस बॉक्स से पता चल जाएगी हमें, L की वैल्यू हमें पता चल जाएगी किससे, किससे पता चल जाएगी, स्केल से, 100 माइनस एल की पता चल जाएगी स्केल से, यानी R L और 100 माइनस एल की वैल्यू पता चल गई यहां से, S की वैल्यू अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। So, S is equal to, S को ऊपर ले जाओ, इनको इधर ले आओ, R into में 100 minus L upon में L, क्लियर है। तो क्या कर सकते हैं, R की वैल्यू रेजिस्टेंस बॉक्स से, L और 100 minus L की किससे, स्केल से निकाल के हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज आवर मीटर ब्रिज एंड हाउ बाय द हेल्प ऑफ मीटर ब्रिज वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ किसकी, वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। दिस इज आवर टॉपिक ऑफ मीटर ब्रिज। समझ में आया, क्लियर है। तो आज ये टॉपिक कीजिए, इसके न्यूमेरिकल भी लेंगे, धीरे धीरे टॉपिक्स को आगे बढ़ाते रहेंगे। चलिए आज इतना ही कीजिए, ओके, काम भी आओगे।